अ वेरी वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं कुछ भी बात करें उससे पहले लेटेस्ट एक्सचेंज द विशेज मे दिस बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टरहुड थ्राइव एंड ग्रो स्ट्रॉगर विथ टाइम और न सिर्फ भाई बहन के बीच में रक्षा की जरूरत हो तो हम आगे आएँ अगर किसी अनजान को भी आप देखें और आप में काबिलियत है कि उसकी रक्षा कर सकते हैं किसी भी तरीके से नेवर

यस्ट डे संडे और संडे को क्या आता है वीकली रिविजन सेशन आता है जो दिन में बारह बजे यशोवर्धन सर ने आपका लिया था जिन बच्चों ने डेली सी ए मिस किया है या वीकली रिविजन की जरूरत जिनको थी आई रियली होप आपने सेशन देख लिया होगा दिन में तीन बजे आपका बैंकिंग बिजनेस एंड फाइनेंस रिलेटेड वीकली करंट अफेयर आता है जो यश सर ने लिया था अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने सेशन मिस किए हैं और देखना चाहते हैं तो ऑलवेज रेफर टू प्ले लिस्ट परचम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक सेक्शन है प्लेलिस्ट लिस्ट वहां जाके आप सारी प्लेलिस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड है एक्सेस कर सकते हो और अपने करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ठीक है जी अब चलिए ये पोस्टर ओके राखी सिर्फ विश नहीं की जा रही है वर्बली पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है तो रक्षाबंधन सेल इज़ लाइव ऑन परचम ऐप अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं सो एम आर पी पे फिफ्टी परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा इट वॉज स्टार्टेड ऑन एटीनथ और ये ट्वेंटियथ दिन में बारह बजे तक चलने वाली है अच्छा यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है राखी से एग्जाम में जैसे अलग अलग इंपॉर्टेंट त्यौहार होते हैं ना उनकी तिथि पूछ ली जाती है दशहरा कौन सी तिथि को आता है होली दिवाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि पे आता है अब हमारे लिए चीजें आसान है देखिए श्रावण महीना और श्रावण की पूर्णिमा देखो पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आती है शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते पूनम का चांद बन जाता है फिर कृष्ण पक्ष चालू होता है ठीक ठीक है सो श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है तब आती है राखी और इसी तिथि पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं हम देखेंगे ठीक है जी चलिए शुरू कर ले किससे जो लास्ट सेशन आपका हुआ था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि इंडिया को नई तीन रामसार वेटलैंड्स मिले थे और टोटल काउंट बढ़ के एट्टी फाइव हो गया है सो so, वो तीन नाम नए रामसार वेटलैंड्स कौन से थे नं, नंजरायन काजुवेली एंड तावा ये तीन सो so, आपका आंसर क्या हो जाएगा वन टू एंड थ्री सो सी विल बी दी राइट आंसर आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी वेटलैंड हैं जिनको नया रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है चलिए मैं बता देती हूं टावर रिजर्वर जो है मध्य प्रदेश से था अब मुझे बताइए ये, ये दोनों जो बर्ड सेंचुरीज हैं कौन से स्टेट से हैं जिनको रामसर वेटलैंड में ऐड किया गया है ठीक है स्टेट जल्दी से मुझे मेंशन करके बता दीजिए इसके अलावा सेशन के दौरान लास्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे किए थे जल्दी जल्दी आंसर देखते ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से तो ध्यान देंगे स्किप नहीं करेंगे आहेड सबसे पहला रामसर वेटलैंड भारत से कौन सा घोषित हुआ था कुछ बच्चों ने सही आंसर किया कुछ ने एक एक ही लिखा है तो ध्यान दीजिएगा चिलिका लेक एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क चिलिका लेक ओडिशा की क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान का दोनों नाइनटीन के अंदर रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किए गए थे ठीक है देन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है अश्विनी वैष्णव है कांतारा कांतारा हमने नेशनल फिल्म अवार्ड्स देखे थे और कांतारा के डायरेक्टर मैंने आपसे पूछा था ऋषभ शेट्टी हैं कैबिनेट सचिव कौन है अभी यहाँ बहुत से बच्चों ने गलती की है देखिए कैबिनेट सचिव अभी राजीव गौबा ही हैं जो नए अनाउंस हुए हैं ही विल बी टेकिंग चार्ज फ्रॉम थर्टियथ ऑफ ऑगस्ट उनका नाम है टी वी सोमनाथन जी सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है टी वी सोमनाथन जी नए कैबिनेट सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे पर कब से थर्टियथ ऑफ ऑगस्ट है अभी राजीव गौबा ही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरह की बॉडी है स्टेट्यूटरी बॉडी है यानी पार्लियामेंट में बिल पास करके एक्ट बना करके इसको लाया गया था लाडली बहन योजना जिसके ऊपर Uh, अभी महाराष्ट्र ने एक योजना शुरू की है लाडकी uh, लाडकी uh, दैट uh, बहिन है ना सो so, योजना सो so, वो किस पे बेस्ड थी लाडली बहन योजना पे इसका लॉन्च डेट मैंने आपसे पूछा था 28 जनवरी 2023 है देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है जबकि कोडई कोडईकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में है सो so, ये सारे क्वेश्चन हैं लास्टली मैंने पूछा था इंडियन हॉकी टीम कौन सा मेडल जीत के आई थी अभी ओलंपिक्स में सो ब्रॉन्स मेडल है ना सारे इंपॉर्टेंट सो so, मैं वही क्वेश्चन करती हूँ आपको ढूंढने के लिए देती हूँ या क्वेश्चन ऑफ द डे में डालती हूँ जिनको रिमेंबर रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से चलिए शुरू कर लेते हैं अब आज दो दिनों की कहानी इंपॉर्टेंट डेज देखने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे आ रहा है नाइनटीन ऑफ ऑगस्ट का नाइनटीन ऑफ ऑगस्ट यानी आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है सो नाइनटीन अगस्त राखी तो याद रह जाएगा इस साल राखी कब आई थी उन्नीस अगस्त को आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची याद हो गया चलो थीम है एन एंटायर डे पूरे दिन फोटो खींचो एन एंटायर डे अगला इंपॉर्टेंट डे दे देखिए नाइनटीन अगस्त को ही आता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एक दूसरे की रक्षा करना ह्यूमैनिटेरियन काम है ना है ना तो बस उसी से याद रखिए रक्षाबंधन पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क हम कर रहे हैं और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को स्टार्ट किया था इन विच ईयर इट वॉज डिक्लेयर टू लेकिन जिस साल डिक्लेयर होता है उससे अगले साल से मनाया जाता है ओके okay? सो so, 2009 से इसको सेलिब्रेट किया गया इस बार की जो कैंपेन हैश टैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी दोनों इंपॉर्टेंट डे देख लिए संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस या वर्ल्ड संस्कृत डे ये डेट से नहीं आता ये तिथि से आता है सावन महीने की पूर्णिमा पे हम राखी मनाते हैं उसी पे हम विश्व संस्कृत दिवस भी मनाते हैं याद रखिएगा ठीक है सो so, आज विश्व संस्कृत दिवस भी है कब से मना रहे हैं 1969 से इंपॉर्टेंट हो जाएगा विश्व संस्कृत दिवस पूर्णिमा तिथि पर आता है श्रावण महीने की ठीक है चलिए क्यों मनाते हैं क्या कारण है कि इसी तिथि पर मनाया जाता है बिकॉज तिथि के हिसाब से आज बर्थ एनिवर्सरी आती है पानिनी जी की किनकी की पानिनी।, पानिनी जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर थे और एक ग्रामेरियन भी थे संस्कृत में काफी सारा ग्रामर रिलेटेड वर्क इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है अब थोड़ा स्टैटिक एंगल देखें तो भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ट्वेंटी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है राइट सो उसी ट्वेंटी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक संस्कृत भी है और संस्कृत साथ साथ हमारी सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस में से भी एक है आ आ आ नाइन नहीं हुई हैं अभी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप बोलोगे मैम नाइन क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई हैं हुई नहीं है तीन नई क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर हुई हैं कि एड की जाएंगी फ्यूचरिस्टिक है अभी हुई नहीं है जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में कौन सी तीन नई क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो अनाउंस की गई हैं कि एड होंगी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में लेकिन अभी कितनी है छह है उनमें से एक संस्कृत हो गई अपार्ट फ्रॉम दैट तमिल तमिल सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी जो एड हुई थी देन तेलुगु कन्नड़ा मलयालम एंड उड़िया उड़िया ट्वेंटी फोर्टीन में एड की गई थी ठीक है जी चलिए देन रक्षाबंधन और मैंने कहा था बहुत सारे त्यौहार आते हैं इस तिथि पे सो so, नारली पूर्णिमा हायग्रीव जयंती गायत्री जयंती श्रावणी उपकर्मा ये सब कुछ आज की तिथि पे पड़ता है राइट right? हो गया ये वाला टॉपिक क्लियर चलो अब आगे बढ़े उससे पहले नए बच्चों को जानकारी दे दें पुराने बच्चों को भी एक नया लॉन्च आपके लिए हो चुका है एस में जितने भी बच्चे अभी अपकमिंग सी एग्जामिनेशन देने वाले हैं टेक नोट ये एक डॉक्यूमेंट आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट होगा मैं इसको फाइव स्टार इंपॉर्टेंस रेटिंग दे रही हूं डू नॉट मिस आउट ऑन दिस डॉक्यूमेंट क्यों क्योंकि 2017 से लेकर के 2023 तक के एस के जितने भी पी हैं अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन ंग विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन यानी दस हजार से ज्यादा प्रीविय क्वेश्चन विद डिप्शन का कंपाइलेन आपको यहां मिलेगा जनरल अवेरनेस हिस्ट्री जियोगी पॉलिटी इकनोमिक साइंस ट्रेटेजी की इकोलॉजी एनवाइरमेंट सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा और ये आप परचम ऐप से एक्सेस कर सकते हो प्राइसेस काफी लो है आपके लिए क्योंकि ये इंट्रोडक्ट्री प्राइस है टू नाइनटी नाइन फ्यूचर में ऑफकर्स जैसे जैसे प्रोडक्ट थोड़ा एज करता है प्राइस रिवाइज होते हैं तो अभी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी ऑफर है आप अगर एस एस सी एग्जामिनेशन दे रहे हैं मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी ये डॉक्यूमेंट आपको लेना चाहिए माई पर्सनल रिकमेंडेशन ठीक है अच्छा उसके अलावा एस एस सी वाले बच्चों जो सी जी एल की तैयारी कर रहे हो जनरल अवेयरनेस ये सेक्शन मिस आउट मत कीजिएगा बिकॉज ये आपके कट uh, ऑफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैथ रीजनिंग इंग्लिश पे सबका ध्यान जाता है करंट अफेयर और जीए ये आपके लिए डिसाइसिव फैक्टर्स हो सकते हैं सो so ये कोर्स आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा एसएससी जनरल अवेयरनेस सारा अप टू डेट आपके लिए बनाया गया है इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस स्ट्रेटेजी के के और ओवरऑल भी मिल जाएगा history, ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एस एस सी जेंडरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज भी है और इसके अंदर हमने अभी रिसेंटली थर्टी प्लस थर्टी यानी सिक्सटी मॉक टेस्ट भी एड किए हैं सो so ये सब कुछ एस एस सी की प्रिपरेशन के लिए जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज़ परचम ऐप पर जाके चेकआउट कीजिए बाकी सारे बच्चे ये सिक्स मंथ मैगजीन इफ़ यू डू नॉट नो जनवरी से जून की करंट अफेयर अगर तैयार करनी है विथ स्ट्रैटेजी के ये मैगजीन आपको अवेलेबल है यहाँ से ले सकते हो अच्छा अभी जो आप पढ़ रहे हो उसकी पी डी मिलेगी सो डेली सी की पी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है परचम के टेलीग्राम परचम ऐप पर ठीक है यहाँ से जाके हर कोई बच्चा एक्सेस कर सकता है हिंदी और इंग्लिश में बाकी सारी पी जो है उनके लिए परचम क्लासेज डॉट इन जाना होता है कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के लिए परचम ऐप पे जाना होता है क्लैरिटी मिल गई नहीं मिली हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है 9929507407 इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो डेज ध्यान रखेंगे हॉलीडेज जो होती हैं पब्लिक हॉलीडेज गवर्नमेंट हॉलीडेज उन पर ये नंबर नहीं वर्क करेगा आज जैसे बंद होगा अदरवाइज आप मेल कर सकते हो मेल पर भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा परचम मैप में चैट भी कर सकते हो सारी जानकारी मैंने दे दी बिकॉज इट इज नीडेड है ना आप लोग एक एक बच्चा परेशान होते हो इसलिए मैं यहीं से ये इंफॉर्मेशन दे देती हूँ चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी न्यूज में और स्पोर्ट्स सेक्शन को सबसे पहले लेंगे ठीक है सो आप देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं पेरस ओलंपिक्स 2024 अब पैरालंपिक्स की बारी है ठीक है पैरालंपिक्स स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसीलिए अनाउंसमेंट आ चुका है फ्लैग बेरर्स का कि भारत का जो झंडा है ध्वज है वो लेकर के ओपनिंग सेरेमनी में कौन दो व्यक्ति चलेंगे सो so, एक है सुमित अंतल सुमित अंतल और दूसरी है भाग्यश्री जाधव भाग्यश्री जाधव अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप सर्च करके बताएंगे मैं सर्च क्यों करवा रही हूं ताकि आप सर्च करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ रिटेन रहेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड कि सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं समझ में आ गया क्वेश्चन जल्दी ढूंढेंगे और राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ट्रस्ट मी जो भी चीज मैं आपसे सर्च करवाती हूँ एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे दिस इज माई प्रॉमिस् टू यू सो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव अगर पता है डायरेक्टली लिख दो नहीं पता गूगल करो और लिखो मुझे तो ये पैरिस पैरॉल्पिक्स के हमारे फ्लैग बेरर्स होने वाले हैं पैरिस पैरोल्पिक का मैस्कॉट क्या होगा वही होगा जो ओलम्पिक्स का था फ्राइज एंड ये एक फ्रेंच कैप होती है जो उनके रिवोल्यूशन को दिखाती है और मोटो भी सेम रहेगा गेम्स वाइड ओपन अब यहीं पर ना ये हम रिविजन एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं ओलंपिक्स में पैरिस ओलंपिक्स में हमारे फ्लैग बैर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल थे और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर मनु भाकर और पी आर क्योंकि दो ब्रॉन्स लेकर के आई भारत के लिए और पी आर हॉकी में दिग्गज खिलाड़ी इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया ठीक है जी चलिए अगली न्यूज में मूव करें अगली खबर आ रही है कि फॉर्मर साउथ इंडियन बोलर फास्ट बोलर पेसर क्या नाम है मोर्न मॉर्केल मोर्ने मॉर्केल इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज न्यू बोलिंग कोच सो मोर्ने मॉर्केल इंडिया के नए बोलिंग कोच होंगे कब तक होंगे जब तक अगला ओ डी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो जाता यानी कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका होस्ट करेगी जिसे वो जब तक फिनिश नहीं होता तब तक हमारे बोलिंग कोच कौन होंगे मॉर्ने मॉर्केल होंगे जो साउथ अफ्रीकन पेसर रह चुके हैं सो so, ये स्पोर्ट्स जगत की न्यूज़ होती है ख़त्म अब हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स

ठीक है सो इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन में किसका नाम आ गया है आ गया है पी हरीश जी का नाम और ये किनको किनकी जगह अब लेंगे जो अभी जून के अंदर रिटायर हुई थी इतने टाइम से कौन थी इस पोजीशन पे रुचिरा कंबोज शी वाज वर्किंग एज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस उनका रिटायरमेंट जून में हो गया अब इस पोजीशन पे आने वाले हैं पी हरीश जी डेट अनाउंस नहीं हुई है बहुत जल्दी इस पोजिशन को बोलेंगे ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट पी हरीश इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन अभी किस पोजिशन पे है अच्छा कई बार ना जब सुपर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है तो यह भी पूछ लिया जाता है कि इस पोजिशन को लेने से पहले वो किस पोजिशन पे थे ठीक है सो so, ध्यान रखिएगा कि ये अभी इंडियाज एम्बेसिडर टू जर्मनी है इंडियाज एम्बेसिडर टू जर्मनी अब बनेंगे इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बैंक रिलेटेड है क्या अपॉइंटमेंट है देखते हैं सो so, आरबीआई ने अपॉइंट किया है एस सुकुमारन नायर जी को एस सुकुमारन नायर जी को एज एमडी एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं सुकुमार सुकुमारन नायर सुकुमारन नायर जी बने हैं इतना ध्यान रखेंगे अच्छा इस तरह के अपॉइंटमेंट में यूजुअली नहीं पूछा जाता पहले कौन सी पोजीशन पे हैं फिर भी वाई टेक चांसेस राइट वाई टेक चांसेस बिकॉज आजकल के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे मेजोरिटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ से बन जाते हैं लेकिन करीब टेन परसेंट ऐसी डिग डीप न्यूज आती है जहाँ बच्चे परेशान होते हैं सो दैट इज वाई आई थाट ये हम डाल देते हैं कि इस पोजिशन पर आने से पहले ये डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब ये एस से जुड़े हुए थे एंड चीफ क्रेडिट ऑफिसर थे कहाँ के एस के ठीक है सो so, सुकुमारन नायर जी एम डी सी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नेक्स्ट आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के डिफेंस क्षेत्र के अंदर अग्नि मिसाइल्स हम कई बार पढ़ते हैं है ना अग्नि फाइव सबसे एडवांस्ड uh, अग्नि मिसाइल्स की रेंज है रेंज में से है सो so ये जो अग्नि मिसाइल्स हैं इनके पीछे एक व्यक्ति का बहुत सुपीरियर कंट्रीब्यूशन था और अब उनका निधन हो चुका है सो so इस व्यक्ति के बारे में इनकी बायोग्राफी और अग्नि मिसाइल्स के बारे में पढ़ना बहुत ऑब्वियस और इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यक्ति का नाम क्या है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल राम नारायण जी ने बनाई क्या बनाई अग्नि मिसाइल इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के तौर पे खड़े हुए थे सो चीफ डायरेक्टर मेन डायरेक्टर थे ये सो so, डीआरडीओ के साइंटिस्ट रह चुके डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी जिनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स कहते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा था कि ही गॉट द टर्मिनोलॉजी फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स और अब इनका एटी फोर की एज पे निधन हो चुका है राइट सो लेट रीड अबाउट है डी मिसाइल साइंटिस्ट राम नारायण अगर राम नारायण अग्रवाल जी फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स कहाँ डिमाइस हुआ हैदराबाद के अंदर हुआ फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर थे ये अग्नि मिसाइल्स के प्रोग्राम डायरेक्टर इज दी फर्स्ट पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जैसे हम देखते हैं मार्स मिशन देखते हैं हम चंद्रयान मिशन देखा तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं राइट इसी तरह से अग्नि मिसाइल्स के पहले प्रोग्राम डायरेक्टर कौन थे राम नारायण अग्रवाल जी थे और इसलिए इनको अग्नि मैन भी कहा जाता है इंडिया का अग्नि मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर के जब तक ये रिटायर नहीं हो गए शुरुआत कब हुई इंडिया के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम की 1983 मेरे जन्म से दो साल पहले हाँ मैं एटीज के आसपास कुछ भी आता है तो मैं मेरा बर्थ ईयर रेफरेंस दे देती हूँ बिकॉज आप में से कई बच्चों को मेरा बर्थ ईयर अब पता है ठीक है so, सो 1985 में मैम का बर्थ ईयर है 83 के अंदर अग्नि मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तब से राम नारायण अग्रवाल जी जुड़े हुए थे और टू तक जब तक ये रिटायर नहीं हो गए इसका एक अभिन्न अंग थे राइट और इन्होंने स्पियर हेड किया है यानी फास्ट डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है अग्नि मिसाइल्स की अलग अलग रेंजेस का कौन कौन सी रेंजेस हैं ये सारी रेंजेस हैं सो अग्नि वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेटेस्ट है और फर्स्ट सबसे पहली थी फर्स्ट वाली की रेंज ऑब्वियसली कम थी 700 से 800 किलोमीटर जो भी बहुत होती है देन अग्नि टू 2000 किलोमीटर अग्नि थ्री मोर देन 2500 देन अग्नि फोर मोर देन थर्टी फाइव हंड्रेड और इसको आप रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हो और अग्नि फाइव जो सबसे एडवांस है सीरीज में वो इंटर कॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल है ये ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है इंटर कॉन्टिनेंटल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट आप इसको छोड़ सकते हो यानी कि इसकी रेंज कितनी होगी ओवर 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इन सबके पीछे राम नारायण अग्रवाल जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अभी ऑब्वियसली जब इतने प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं तो अवार्ड्स भी मिले होंगे है ना तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू थाउजेंड फोर में इनको प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया अग्नि मिसाइल को बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करने में डी आर डी ओ टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड जीत चुके हैं पद्म अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री और पद्म भूषण पद्मश्री नाइनटीन नाइनटी पद्म भूषण टू थाउजेंड दस साल के गैप पे ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड इनके हो गए फिर हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट जिसको आपको अच्छे से देखना है बिकॉज इंडिया ने इस बार इसको होस्ट किया है दिस वॉज द थर्ड एडिशन कौन सा समिट की हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ समिट जो कि वर्चुअली कंडक्ट किया गया यानी ऑनलाइन मीडियम से कंडक्ट किया गया ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नॉट ग्लोबल साउथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट थर्ड एडिशन था इंडिया ने होस्ट किया वर्चुअली ओके okay? और इसकी थीम क्या रही थीम बहुत इंपॉर्टेंट है थीम इज एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एन एम्पावर्ड गो ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर होस्ट कौन था इंडिया था कौन सा एडिशन इस समिट का था थर्ड था ठीक है अच्छा इसके अंदर जो भी ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या चैलेंजेस आते हैं किस किस तरह से उनको साथ आने की ज़रूरत है चैलेंजेस सच सचेस कॉन्फ्लिक्ट फूड एनर्जी सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज इन सब पे चर्चा की जाती है ये जो समिट था इसमें देश के लीडर्स यानी प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेजिडेंट्स और मिनिस्टर्स जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनके लेवल पे समिट में डिस्कशंस होल्ड किए गए अब कितने देशों को इनवाइट किया गया 123 कंट्रीज एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन कंट्रीज को इनवाइट किया गया इसमें दो देश शाम, शामिल नहीं थे हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और और पाकिस्तान दे व नॉट इन्वाइटेड 21 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनकी लिस्ट मैंने दे दी है याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से आए थे वो देख लीजिएगा बांग्लादेश आया था उसके अलावा भूटान था इधर कहीं नेपाल भी होगा ये रहा ओके और भी देख लीजिएगा श्रीलंका रहा सो इस तरह से बस एक बार रीड कर लीजिएगा रटिएगा मत इसको बैठ करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया लीडर्स सेशन जो देश के लीडर्स का सेशन था उसको चेयर पीएम मोदी ने किया ठीक है थर्ड एडिशन है थीम याद रखनी है कितने देशों को इन्वाइट किया गया देख लीजिएगा बस इतनी मोटी मोटी बातें हमको ध्यान करनी है नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सीसीपीए सीसीपीए ने इम्पोज किया है तीन लाख रुपए का फाइन श्री राम आई एस पे फॉर मिसलीडिंग क्लेम्स ओवर यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम सिलेक्शन तो भाई श्री राम आई ने क्लेम किया था कि हमारे यहां से दो सौ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी के अंदर ठीक है लेकिन फिर सीसीपीए आई बीच में उन्होंने बोला नहीं दो का तो हुआ ही नहीं है सिलेक्शन आपके यहाँ से 171 बच्चों का सिलेक्शन है और वो 171 भी आपके पढ़ाए हुए बच्चे नहीं हैं उनमें मेनली क्या है 102 बच्चे तो वो हैं जिन्होंने फ्री इंटरव्यू सेशन आपसे ले लिया था उन्होंने प्रिलिम्स और मेंस ऑलरेडी क्लियर कर लिया था सिर्फ फ्री इंटरव्यू के लिए आपके पास आए थे बॉडी लैंग्वेज और ये सब सीखने के लिए और जिसका बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो आपने एज सच कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया उनकी तैयारी में फिफ्टी बच्चे वो थे जिन्होंने फ्री टेस्ट सीरीज ली थी आपकी बस प्रैक्टिस करने आए थे आपके पास सो जो प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम से बच्चे सिलेक्ट हुए वो तो नाइन ही हुए हैं जीएस क्लासरूम से और थोड़े बहुत बाकी से हुए तो आप ऐसे मिसलीडिंग क्लेम कर रहे हो बच्चों को गुमराह करने के लिए इसलिए सीसीपीए ने फाइन लगाया अब ये सीसीपीए क्या है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ठीक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कंज्यूमर्स के राइट right को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कंज्यूमर्स को ग्राहकों को आप मिसलीड ना करो ये देखने का काम करती है और इसलिए तीन लाख रुपए का फाइन श्री राम आई एस पे लगा है ठीक है ये बात समझ में आ गई कौन है चीफ कमिश्नर सीसीपीए की निधि खरे निधि खरे जी खरी खरी बात करो जी एडवर्टाइजिंग में मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग मत करो ठीक है ये देखने का काम करती है तो सीसीपीए के बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में आ गया सीसीपीए इसी तरह से स्टैटिक निकलते हैं इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सोचोगे अरे सीसीपीए कहाँ से आ गया हमने तो पढ़ा नहीं क्योंकि बेटा न्यूज में था सीसीपीए ने फाइन इंपोज किया है तो सीसीपीए क्या है पढ़ना जरूरी है जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेक न्यूज में आ गया था अरविंद केजरीवाल मुद्दे पर आ गया था हेमंत सोरेन मुद्दे पर आ गया था तो पढ़ना जरूरी हो जाता है ठीक है चलो सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ट्वेंटी के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टैब्लिश की गई कब 24 जुलाई 2020 को ओके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो ग्राहक हैं कंज्यूमर्स हैं उनको प्रमोट प्रोटेक्ट और उनके जो राइट्स हैं उनको एनफोर्स करवाना इसमें कौन कौन होते हैं एक तो चीफ कमिश्नर होते हैं जो अभी हमने देखा निधि खरे जी हैं और फिर दो अदर कमिश्नर्स होते हैं मेंबर के तौर पे एक गुड्स से रिलेटेड और एक सर्विसेज से रिलेटेड क्योंकि कंज्यूमर या तो गुड्स कंज्यूम करता है सर्विस कंज्यूम करता है और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी कौन सी मंत्रालय इंपॉर्टेंट इसके ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है चलिए अगली खबर की तरफ बढ़े नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि यूनियन गवर्नमेंट विल बी फॉर्मिंग अ कमिटी टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स सो अभी कोलकाता का जो पूरा मुद्दा चल रहा है राइट right, उसके संदर्भ में राइट ओके सो उसके संदर्भ में बहुत बार अपील जा रही है आई एम ए से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उसके अलावा फोर्डा से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से कि भाई ऐसी कोई एक कमिटी बनाई जाए कोई पुख्ता कदम उठाए जाए जिससे सेफ्टी सिक्योरिटी हॉस्पिटल स्टाफ की इंश्योर की जाए जैसे हम अगर एयरपोर्ट्स में जाते हैं तो कितने सिक्योरिटी चेक्स होते हैं एंट्री पे होगा उसके बाद बोर्डिंग के पहले भी सिक्योरिटी चेक होता है इसी तरह से सिक्योरिटी चेक्स हॉस्पिटल हेल्थ केयर के अंदर भी होने चाहिए तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि एक कमिटी बनाई जाएगी ठीक है? एक कमेटी गठित की जाएगी जो इंश्योर करेगी हेल्थ प्रोफेशनल्स की अभी का आ, नहीं आया है और अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इनवाइट किया गया कि आइए आप, आप भी अपने सजेशंस दीजिए क्या क्या किया जाना चाहिए अच्छा यहीं पर देख लो आई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हेड है वो पोजिशन कौन सी होती है नेशनल प्रेजिडेंट की तो आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट कौन है डॉक्टर आर वी अशोकन जी हैं अभी फाइन जस्ट बिकॉज हम आईएमए के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हेल्थ केयर और मेडिकल का इतना चल रहा है तो ये नाम ध्यान रखेंगे सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको एक दिशा निर्देश ऑलरेडी इशू कर दिया है कि अगर कोई भी फिजिकल या वर्बल अब्यूज हेल्थ केयर स्टाफ के साथ होता है कोई गाली गलौच होती है कोई मारपीट होती है किसी भी तरह का अब्यूज अगर उनके साथ होता है तो विद इन सिक्स आवर्स एफ रजिस्टर करवानी होगी ओके ये सारे सरकारी अस्पतालों को निर्देश जा चुके हैं और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एफआईआर की जिसके साथ ये हुआ है नहीं विक्टिम के साथ नहीं ये जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एफआईआर ठीक है यहां तक तो डिसीजन आ गया है नेक्स्ट न्यूज देखते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन हेड कर रहे हैं कौन है व्यक्ति किरेन रिजिजू तो इन्होंने लॉन्च किया है जियो पारसी स्कीम पोर्टल जियो पारसी स्कीम नहीं लॉन्च की है ये तो ऑलरेडी लॉन्च थी इसका पोर्टल लॉन्च किया है और हज एप्लीकेशन 2025 के लिए भी ओपन कर दिया है सो so, जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि स्कीम से रिलेटेड बेनिफिट ऑनलाइन लिए जा सके आप रजिस्टर भी ऑनलाइन कर सको आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हुई है आपको बेनिफिट हो गया नहीं हो गया ये सब आप ऑनलाइन देख सको लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा जियो पारसी स्कीम क्या है क्यों लॉन्च की गई किसको बेनिफिट देना चाह रहे हो क्या बेनिफिट देना चाह रहे हो पढ़े सो so, किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है पोर्टल फॉर जियो पारसी स्कीम एक तो चीज़ समझ में आ रही होगी पारसी कम्युनिटी के लिए है है ना पारसी कम्युनिटी जियो पारसी यानी इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो बढ़े डिक्लाइनिंग नंबर में ये कम्युनिटी देश में नहीं जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये आती है तो पारसी कपल्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये पोर्टल दिया गया एक स्कीम के तहत तो और वो स्कीम है जियो पारसी स्कीम जिसको 2013-14 में लॉन्च किया गया था 2013-14 में ठीक Central है सेंट्रली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब जो भी स्कीम पे खर्चा आएगा वो सेंटर बेयर करेगा स्टेट्स को कुछ रुपया नहीं डालना है ठीक है दो तरह की स्कीम्स होती हैं सेंटर से रिलेटेड एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ध्यान दीजिएगा और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टेट को कुछ परसेंटेज डालना पड़ता है सेंटर को कुछ परसेंटेज डालना पड़ता है ठीक है लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा हंड्रेड परसेंट खर्चा जो आएगा फंड्स जो आएंगे स्कीम के वो Uh, केंद्र सरकार बेयर करती है ओके okay? तो जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है पारसी कम्युनिटी का भारत में उसको अरेस्ट करने के लिए यानी उसको चेक करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए कम करने के लिए और इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स हैं स्कीम में पहला आता है मेडिकल कॉम्पोनेन्ट मेडिकल असिस्टेंस देना तो जो भी मेडिकल कंसर्नस हैं पारसी कम्युनिटी की उनमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी दूसरा आता है एडवोकेसी यानी कि हेल्थ जो है कम्युनिटी की उससे रिलेटेड फिनेंशियल असिस्टेंस देना अब ये क्या हुआ दोनों में क्या फ़र्क है मेडिकल कॉम्पोनेट में यानी आपके मेडिकल खर्चे वगैरह जो हुए मान लीजिए आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू आ रहा है तो उसकी जाँच उसके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए खर्चे यहाँ दिए जाएंगे हेल्थ ऑफ़ कम्युनिटी कॉम्पोनेंट का मतलब है अगर आपके बेबी हो गया तो चाइल्ड केयर से रिलेटेड एल्डरली लोग हैं तो उनके हेल्थ से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एंड एडवोकेसी कॉम्पोनेंट कि आपको आपके साथ में एक तरह से आउटरीच प्रोग्राम्स किए जाएंगे आपको बताया जाएगा बातचीत की जाएगी कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिटी का ध्यान रख सकते हो वाई अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर इम्पॉर्टेंट हाउ यू नो जो भी इश्यूज आपकी कम्युनिटी फेस करिए उनको टैकल कैसे कर सकते हैं तो आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे सो so, कुल मिलाकर के जियो पारसी स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिक्लाइनिंग नंबर जो है पारसी कम्युनिटी का इंडिया में उसको रोकना ओके टू चेक दैट नेक्स्ट न्यूज देखिएगा यह है निपुन म्यूनिशन से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है निपुन म्यूनिशन एक सवाल सीधा सीधा इंपॉर्टेंट निकलता है यहां से निपुन क्या है तो ये एक तरह का एक तरह का आ, आ, जैसे आपने कभी एंटी टैंक माइंस के बारे में सुना है ये एंटी ह्यूमन माइंड है मतलब सॉफ्ट माइंड्स हैं अगर कोई इंसान इन पे पाँव रखेगा तो भ्रम उड़ जाएगा ठीक है so, सो निपुण क्या है वो मैंने बता दिया अब हमने इसको क्यों लिया बिकॉज न्यूज के अंदर ये खबर आई कि डी ने ट्रांसफर कर दिया है अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स निपुण म्यूनिशन के किसको दे दिए हैं डी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस को दे दिए हैं ए पुणे के अंदर अब ये न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये है कि निपुण क्या है ठीक है तो निपुण के बारे में देख लेते हैं एंटी पर्सनल माइंड है क्या है ये एंटी पर्सनल पर्सनल मतलब व्यक्ति इंसान इसको डिजाइन और डेवलप किसने किया अब ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ठीक है निपुण क्या है ये समझ में आ गया एंटी पर्सनल माइंड है इंसान उस पर पांव रखेगा तो उड़ जाएगा डिजाइन और डेवलप किया है इसको ए आर डीई ने एआरडीई क्या है आर्माेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहा है एआरडी पुणे के अंदर है

अब दो इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो इसका मास प्रोडक्शन करेंगी क्योंकि आर्मी को प्रोडक्ट प्रोडक्शन करके ये हैंडओवर की जानी है सो so पहली आती है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिवस लिमिटेड नागपुर में और दूसरी है प्रेमियर एक्सप्लोजिवस सिकंदराबाद के अंदर ये दोनों मास या बल्क प्रोडक्शन के अंदर लगेंगी और ये प्रोडक्शन का ऑर्डर कौन दे रहा है इंडियन आर्मी दे रही है इंडियन आर्मी को ऑलरेडी ट्वेंटी सच निपन माइंड हैिविन और बनाने का ऑर्डर आ रखा है ठीक है जी सो निपुण क्या है समझ में आ गया अगली खबर की तरफ चलते हैं चिनार बुक फेस्टिवल कहाँ कंडक्ट किया या कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया सीधा सवाल चिनार बुक फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया आंसर क्या आ जाएगा जी आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है सो चिनार बुक फेस्टिवल श्रीनगर में यूथ के अंदर रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए इतने बड़े लेवल पे पहली बार एक वीक लॉन्ग इवेंट किया गया श्रीनगर के अंदर शेर शेरि कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर के अंदर ही चल रहा है इसको इनाग्रेट किया गया है कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट करवा रहा है और लाइक आई टोल्ड यू कश्मीर में पहली बार इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है ताकि यूथ के अंदर आ, रीडिंग को लेकर के हैबिट इनकल्केट हो तो उसके साथ साथ इसमें करियर फेयर और बहुत सारी जानकारी देने के लिए भी अलग अलग काउंटर्स लगाए जा रहे हैं ओके सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है दैट इज रिलेटेड टू अ न्यू स्पीशीज डिस्कवरी ठीक है एक नई प्रजाति खोजी गई है किस चीज की ऑर्चिड ऑर्चिड या ऑर्किड जैसे भी आप इसको पढ़ते हो सो न्यू ऑर्किड स्पीशीज डिस्कवर्ड इन असम नहीं है सिक्किम आएगा प्लीज टेक नोट ऑफ दिस करेक्शन मैं पी में वैसे चेंज करवा दूंगी बट इन केस अगर डेली सीए में आपको ये करेक्शन नहीं दिखता है वीकली मंथली में दिख जाएगा सो ये सिक्किम होगा ऐसा नहीं होगा सो so, नई ऑर्चिड स्पीशीज डिस्कवर की गई है कहाँ सिक्किम में और सिक्किम में भी कहाँ फैम हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैम बोंग हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ है सिक्किम में अब ये सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जी ये पूछी जा सकती है ठीक है सो फैम बांग्लो वाइल्ड लाइफ सैंकुरी सिक्किम में है और वहां से डिस्कवर की गई है ये ऑर्चिड स्पीशीज जिसका नाम क्या है गैस्ट्रोडिया इंडिका इंडिका यानी इंडिया से रिलेटेड हो गया है ना गैस्ट्रोडिया इंडिका इसकी खास बात क्या है इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो ब्लूम नहीं करते खुलते नहीं है बड की तरह ही रहते हैं यानी कली की तरह ही रहते हैं खुलते नहीं हैं जो कि ऑर्चिड में बहुत कॉमन है खिलना लेकिन कुछ स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड में खिलते नहीं हैं फ्लावर्स और इस तरह की स्पीशीज को क्या कहा जाता है क्लेस्ट टोग ऑर्चिड क्लेस्टोगैमस ऑर्चिड इनमें फ्लावर बंद ही रहता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी इंसेक्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती खुद ही पॉलिनेशन हो जाता है और खुद ही रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका सेल्फ पॉलिनेशन एंड ऑटोगैमी चलती है इन स्पीशीज के अंदर समझ में आ गया तो इस तरह के ऑर्चिड जो कि ऑटोगैमी दिखाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन उनको क्लीस्टोगैमिस ऑर्चिड कहा जाता है एंड ये पहली नॉन क्लिसटोगैमिस ऑर्चिड है भारत की रेयर है अभी तक भारत में कोई भी यानी सेल्फ पॉलिनेशन वाली ऑर्चिड स्पीशीज नहीं डिस्कवर की गई थी ये पहली है नाम क्या है गैस्ट्रोडिया गैस्ट्रोडिया इंडिका इंडिका क्या नाम है है राइट right? और ये कहां से पाई गई फैमबॉन्ग्लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिक्किम में है क्लियर हो गई न्यूज चलिए आगे अगली खबर आ रही है राजनाथ सिंह जी ने इनोग्रेट किया है न्यू मेरी रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स का कहा चेन्नई में अभी इनका चेन्नई का दौरा था सो so, उसमें मेरी रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मेरी यानी पानी पे जो भी रेस्क्यू होता है उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंटर इनोग्रेट किया गया है चेन्नई के अंदर साथ ही साथ कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव भी पुडुचेरी के अंदर इनोग्रेट किया गया है बस ये वन लाइनर जैसी न्यूज है ओके व्हाट एल्स यस मरीन पोल्यूशन रिस्पांस सेंटर भी इनग्रेट हुआ है मरीन पोल्यूशन जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं पानी में जो भी पॉल्यूशन हो उसका रिस्पांस सेंटर भी चेन्नई में खोला गया तो दो तीन सेंटर्स का इनॉग्रेशन राजनाथ सिंह जी ने किया अगली खबर आ रही है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड चाइना के अंदर बीजिंग में कंडक्ट किया गया ठीक है हमारे भारत से चार खिलाड़ी गए थे पार्टिसिपेट करने और काफी सारे मेडल लेकर के आए हैं तीन गोल्ड जीते हैं तीन ब्रॉन्ज और दो सिल्वर लेके आए थ्री गोल्ड मेडल्स ठीक है तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर अर्थ साइंसेस कहाँ हुआ चाइना बीजिंग में हमने तीन गोल्ड मेडल हासिल किए कौन सा एडिशन था सेवनटीन्थ एडिशन था ये इसका देन नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया श्रीलंका की जो फेरी सर्विसेज थी इंडिया से श्रीलंका तक जो फेरी इस तरह की छोटी शिप है ना छोटा क्रूज बोल दीजिए तो शिप जैसी फेरी होती है बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं तो इस तरह की फेरी सर्विसेज चलाई गई थी फिर बीच में रुक गई थी उनको रिज्यूम किया गया है नागपट्टिनम तमिलनाडु इंडिया में और कांकेसाथुर जाफना प्रोविंस है श्रीलंका का नॉर्दर्न साइड में इनके बीच में फेरी सर्विसेज है करीब चार घंटे लगाती हैं ये आ, इंडिया से श्रीलंका पहुंचाने में और पचास लोग बैठ करके आराम से इसमें जा सकते हैं सो so, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर ट्वेंटी में फॉर सम रीज़न स्टॉप कर दिया गया था अभी वापस रिज्यूम किया गया है और ये जो फेरी है शिव सबसे पहली जो फेरी चलाई गई थी उसका नाम था शिव प्राइवेट ऑपरेटर फेरी सर्विसेज ने चलाई थी अच्छा अब ना यहाँ पे दोनों देशों की सरकारों ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं इन फेरी सर्विसेज को और आ, चीप बनाने के लिए यानी हर कोई अफोर्ड कर पाए इजीली आ जा सके सो so, इंडियन सरकार ने फिनेंशियल असिस्टेंस डिक्लेयर की है 25 मिलियन श्रीलंकन रुपी की श्रीलंकन रुपी इंडियन रुपयी के मुकाबले सस्ता होता है राइट जैसे हमारा एक रुपया है तो वहाँ करीब साढ़े तीन रुपये के बराबर हो जाता है so, सो ट्वेंटी फाइव मिलियन श्रीलंकन रुपी हर महीने हमारी जो सरकार है वो सहायता देगी एक साल तक ताकि ईजिली जा सकें लोग और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने डिविएशन टैक्स जो कि चार्ज किया जा रहा था पैसेंजर्स से वो भी माफ़ कर दिया तो ये फेरी सर्विसेज को और स्मूथ किया जाएगा नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसानों की बात किया नहीं है लॉन्च करेगी किसानों की बात रेडियो प्रोग्राम जैसे अभी मन की बात पी मोदी जी चलाते हैं इसी तरह से किसानों की बात चलाई जाएगी ताकि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो फार्मर्स का बढ़ सके उनको साइंस हर एक कृषि के पीछे की जो साइंस है वो समझा सकें मौसम सॉइल कीटनाशक एवरीथिंग से रिलेटेड और इसके लिए ये जो प्रोग्राम है इसको सेप्टेम्बर में स्टार्ट किया जाएगा किसानों की बात राइट और ना सिर्फ एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स एट्सेट्रा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ करके लोगों से बातचीत करेंगे रेडियो प्रोग्राम होगा ये देन अगली खबर है प्रसार भारती और संसद टीवी ने एमओयू साइन किया है प्रसार भारती और संसद टीवी दोनों आपस में साथ मिलकर काम करेंगे प्रसार भारती का एडवर्टाइजमेंट आपको संसद टीवी पे दिखेगा संसद टीवी का प्रसार भारती पे दोनों अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे उसके अलावा जो कंटेंट और प्रोग्राम शेयरिंग है वो भी होगी तो थोड़ा साथ में मिलजुल के काम करेंगे प्रसार भारती के सीईओ ये रहे गौरव द्विवेदी जी और संसद टीवी के रंजीत पुनहानी जी तो इन दोनों ने एमओ साइन किया है फिर अगली खबर आ रही है ये कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं तो इनको अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने डिस्टिंग्विश्ड मेंटोर का अवार्ड दिया है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के द्वारा इनको नाइन्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसीपी इंडिया चैप्टर लखनऊ के अंदर हो रहा था वहां पे अवार्ड दिया गया वन लाइन दिस इज ऑल्सो न्यूज एंड ब्रीफ आंध्र प्रदेश ने जीता है इंडियन विंड पावर एसोसिएशन का ग्रीन एनर्जी चैंपियन अवार्ड 2023-24 के लिए बस सिंगल सिंगल लाइन न्यूज है इसमें समझने का कुछ नहीं है. अब हम इंटरनेशनल डोमेन की तरफ मूव करते हैं और इंटरनेशनल डोमेन के बाद में अब हम रिविजन क्वेश्चन लेंगे ठीक है तो इंटरनेशनली सबसे पहली खबर आ रही है कि सुडान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कॉलेरा आउटब्रेक कि कॉलेरा देश भर में आउटब्रेक की तरह आ गया है सो ये डिक्लेरेशन कौन से देश से आया है सुडान से आया है कॉलेरा आउटब्रेक कौन से देश सुडान डब्ल्यू की रिपोर्ट के हिसाब से 316 डेथ हो चुकी हैं कॉलेरा कॉलेरा अक्यूट यानी सिवियर डायरियल इन्फेक्शन होता है पेट का इंफेक्शन होता है जिसमें एकदम पानी जैसे आपके मोशंस हो जाते हैं वेरी एक्सट्रीमली लूज मोशंस इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और बहुत सा अगर ट्रीट नहीं किया गया टाइमली तो इट कैन लीड टू डेथ बहुत फेटल हो सकता है किसकी वजह से होता है बैक्टीरियम विब्रियो कॉले किसकी वजह से होता है विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है यूजली जो मैंने आपको बताया डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है यूजली जब सैनिटाइज uh, कंडीशन नहीं होती गंदगी में रहा जाता है वॉर हो फेमीन हो जब पता ही नहीं है कहाँ रहना है कैंप्स में रह रहे हैं गंदा खा रहे हैं गंदा पानी पी रहे हैं उससे ये जो बैक्टीरिया बॉडी में जाता है और जहाँ थोड़ी गर्मी होती है वहाँ ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है ठंडे इलाकों में टेम्परेट एरियाज में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता ठीक है एंड इट कैन लीड टू डेथ नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है कि इसकी वैक्सीन आती हैं सो so, तीन डब्ल्यू एच ओ की प्री क्वालिफाइड ओरल कॉलेरा वैक्सीन होती है जो मुँह से दी जाती हैं ड्यूकोरल है शांचॉल है एंड यूविचॉल प्लस है और अगर आपको एक बार हो गया कॉलेरा आपको वैक्सीनेशन नहीं था इसके डबल डोज लगते हैं तो आप रिहाइड्रेशन थेरेपी ओ वगैरह आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इनसे इसको ट्रीट किया जाता है अब क्योंकि हमने सूडान की बात की है कहां है ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वेस्ट साइड की ये कंट्री इजिप्ट के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी कैपिटल क्या है इसकी खारतूम खारतूम करेंसी इज सुड पाउंड नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक वोल्कैनिक इरप्शन हुआ है एक अर्थक्वेक के बाद पहले अर्थक्वेक आया 7.2 पॉइंट टू मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे और उसके तुरंत बाद एक वोल्कैनिक और ये सब कहा हुआ है ये सब रशिया में हुआ है ईस्ट रशिया ईस्टर्न कोस्ट जो है रशिया का मैप समझिएगा थोड़ा सा देखिए रशिया जब आप देखते हो इधर एशिया है ऊपर रशिया है रशिया का बिल्कुल फार ईस्ट दूसरी तरफ से यूएसए आ जाता है अगर आप बैक साइड ऑफ द ग्लोब देखोगे यूएसए और रशिया बहुत पास पास है मैप पे आपको इतने दूर दिखते हैं ना ये रशिया ये यूएस और अगर आप पीछे की साइड से जाओगे धरती गोल है ना तो ये बिल्कुल पास पास होते हैं राइट right. सो so, ये ये यूएस वाला हिस्सा आ गया मतलब अमेरिका आ गया और ये रशिया जा रहा है तो रशिया का ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है इसको हम कहते हैं का और इसी में ये शिवलेक शिवलेक वलकेनो है इसमें हुआ है मैसिव इरप्शन ओके वल्केनिक इरप्शन ये वलकेनो है क्या मैंने कुछ और बोला ये शिवलेक वलकेनो है और इसमें इरप्शन हुआ है सो वलकैनो शिवलेक वालकैनो कहां है रशिया के अंदर है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कंट्री पे पड़ता है पहले अर्थक्वेक uh, आया फिर वलकैनिक uh, इरप्शन हुआ अच्छा शिवलेक के बारे में आप देखो तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है शेवलेक और इसका मीनिंग होता है शेवुलिच वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है स्मोकिंग माउंटेन धुआं और ऐश निकालती है ना राइट right? और ये नॉर्दर्न मोस्ट एक्टिव वेल्केनो है किसका इस पूरे कामचात का क्राय का जो रशिया में पड़ता है ये पूरा एंड ऑफ न्यूज यूएस ने डिप्लॉय किया रीजन में चाइना के बढ़ते हुए नेवी ने लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय की है लॉन्ग रेंज मिसाइल का नाम क्या है एम सेवनटीन एयर टू एयर मिसाइल है राइट right? Uh, उसके अलावा ये लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जो कि यूएस ने इस एरिया के अंदर लगाई है 400 हंड्रेड किलोमीटर्स तक जाकर के ये टारगेट को हिट कर सकती है और चाइना की कौन सी मिसाइल को सरपास करेगी पी एल मिसाइल को ठीक है सो इंडो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को रोकने के लिए सो so, ये थे आज के सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन दो दिन का कंपाइलेशन था तो सेशन बड़ा होना लाजमी है मंडे को हमेशा सेशन थोड़े बड़े होते हैं बिकॉज संडे और मंडे दोनों दिनों का कंपाइलेशन होता है जल्दी से अब हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे आंसर करना शुरू कीजिएगा लाइव चैट में हैं तो फटाफट आंसर करो और बाद में देख रहे हो तो सबका इकट्ठा आंसर भी लिख सकते हो नहीं तो सेल्फ चेक कर सकते हो पहला क्वेश्चन आ रहा है राम नारायण अग्रवाल हुआ इज रिसेंटली पासड अवे इज नोन फॉर इन्ट्रीब्यूशन टू विच मिसाइल प्रोग्राम राम नारायण अग्रवाल जी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे कौन सी मिसाइल थी अग्नि मिसाइल आंसर नेक्स्ट वॉट इज द थीम ऑफ थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो की इंडिया ने होस्ट किया वर्चुअली उसकी थीम पूछी जा रही है मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा सो सस्टेनेबल फ्यूचर था कुछ ना कुछ है ना ये कीवर्ड कीवर्ड पकड़ लिया करो उससे आप थीम तक पहुंच सकते हो एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर ए विल बी द राइट आंसर ऑन संस्कृत डे सेलिब्रेटेड विश्व संस्कृत दिवस या वर्ल्ड संस्कृत डे हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से कब आता है कौन सा महीना चल रहा है श्रावण श्रावण की पूर्णिमा सो फुल मून ऑफ श्रावण बी ड एज इंडिया नेमनेंट रेप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन के परमनेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया कौन अपॉइंट किए गए हैं कौन अपॉइंट किए गए हैं देखिए बताइए हरीश जी पी हरीश परनी हरीश विल बी दाइट आंसर हु अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ईओ ऑ ऑफ तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक तमिलनाडु मर्कटाइल तमिलनाडु मर्कटाइल बैंक के एम डी सीओ के तौर पर कौन अपॉइंट किए गए हैं देखिए और आंसर कीजिए एस सुकुमारन नायर साली सुकुमारन नायर जी विल बी देंचुरी वॉज ऑर्किड स्पीशीज गैस्ट्रोडिया इंडिका डिस्कवर्ड गैस्ट्रोडिया इंडिका हमने देखा एक ऑर्चिड की स्पीशीज है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको डिस्कवर किया गया सिक्किम की एक वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी थी फैम बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी विल बी आंसर देन वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो पारसी स्कीम जियो पारसी स्कीम जो है योजना जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन नो हेल्थ हाउसिंग या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिवर्स करना डी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिवर्स करना एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे निपुण क्या है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है व्हाट इज निपुण आप पढ़िए चारों ऑप्शन क्या ये सर्वेलेंस ड्रोन है क्या ये एंटी पर्सनल माइन है क्या ये हाई एनर्जी लेजर वेपन है क्या ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है ठीक है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर कीजिएगा पढ़ लिया है तो सिंपल है नहीं पढ़ा होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है सो so ये था आज का पूरा सेशन आई रेडी होप अच्छे से समझ में आ गया होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम और परचम ऐप पे अवेलेबल करवा दिया गया है वहाँ से आप ले सकते हो बाकी नए कोर्स की मैंने जानकारी दे दी है जो आपका एस एस सी जनरल अवेयरनेस पी वाई क्यू ई बुक हमने रिलीज़ की है आपको मैंने राखी के सेल की इंफॉर्मेशन दे दी है बस आज के लिए हो गया सब कुछ पढ़िए और राखी इंजॉय कीजिए कल मिलेंगे वापस दिन में बारह बजे विद अनदर डेली सी सेशन टेक गुड केयर बाय बाय